फ्रेंडशिप क्लास 12 क्वेश्चन में 14 करेंगे शो दैट द वेक्टर i + j + k इज इक्वल इंक्लाइंड विद द ox oy oz एक्सिस। इक्वल इंक्लाइंड का मतलब कि x एक्सिस से y एक्सिस से और z एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है, तो हमें क्या करना है उसमें डायरेक्शन कोसाइन निकाल देंगे, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन वो होते हैं जो x एक्सिस से एंगल अल्फा बनाते हैं, y एक्सिस से बीटा और z एक्सिस से गामा। वेक्टर दे रखा है i + j + k, एल कितना आएगा, एल आएगा ए अपॉन अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन अपॉन अंडरूट वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, कितना आ गया वन अपॉन अंडरूट थ्री। एम कितना आ जाएगा वन अपॉन अंडरूट थ्री, एन कितना आ जाएगा वन अपॉन अंडरूट थ्री। तो एल इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू कितना है एन इक्वल्स टू कितना आएगा वन अपॉन अंडरूट थ्री आंसर। ठीक है, एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है क्योंकि एलिमेंट जो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन वो होते हैं जो एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा। तो ये एक्स एक्सिस से 1/√3 एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से 1/√3, जेड एक्सिस से 1/√3। कैसे, देखो मैंने आपको कल बताया था ना एल जो होता है वो कॉस अल्फा होता है सर, तो कॉस अल्फा एक तरीके से 1/√3 हो गया, कॉस बीटा भी कितना हो गया 1/√3, कॉस गामा भी कितना हो गया 1/3, तो इक्वल एंगल बना रहा है ना, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो एलिमेंट इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपका 10th क्लास का रहेगा। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विच डिवाइड द टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हूज पोजीशन वेक्टर आर रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1 इंटरनली और एक्सटर्नली। देखो एक वेक्टर दे रखा हमें, पोजीशन पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं ओपी वेक्टर से, आई प्लस 2j माइनस के, और वेक्टर ओक्यू कितना है माइनस का आई प्लस जे प्लस के। हमने एक 10th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था mx2 प्लस nx1 अपॉन कितना होता था m प्लस इंटरनली, 11th में भी पढ़ा था 3D के अंदर इंटरनली में तो प्लस आता है और एक्सटर्नली में क्या आता है माइनस होता है। ठीक है, रेशियो कितना दे रखा है 2:1। एक तरीके से ये x1 हो गया, ये क्या हो गया x2। इंटरनली के केस में रेशियो आएगा 2 × ओ क्यू वेक्टर। इंटरनली के केस में यह आएगा आपका 2 × ओ क्यू वेक्टर प्लस 1 × ओ पी वेक्टर अपॉन 2+1, और एक्सटर्नली में आएगा 2 × ओ क्यू वेक्टर माइनस 1 × ओ पी वेक्टर अपॉन 2-1, तो आएगा 2 × ओ क्यू वेक्टर प्लस 1 × ओ पी वेक्टर अपॉन कितना आएगा 2+1। 2 × ओ क्यू वेक्टर कितना है हमारा, ये ओ क्यू है माइनस का आई प्लस जे प्लस के प्लस 1 × ओ पी वेक्टर, ओ पी वेक्टर कितना है आई प्लस 2j माइनस का के अपॉन 2+1। ठीक है, तो आ जाएगा आपका, तो ये आ गया आपका माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k प्लस आई प्लस 2j माइनस का के अपॉन कितना आएगा 3, माइनस के 2i में से आएगा तो कितना बचा माइनस के आई प्लस का 4j प्लस के k अपॉन कितना आएगा 3। ये इंटरनली आ गया, एक्सटर्नली में आप अपने आप करना, एक्सटर्नली में बीच में बस क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, 15 का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट आपको खुद करना है। 11 माइनस का आई बाई 3 4/3j। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालने हैं, पी पॉइंट दे रखा है और क्यू पॉइंट दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेंगे, वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर ओक्यू अपॉन कितना आएगा 2, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला होता था x1 + x2 / 2,
हमें एक पोजिशन वेक्टर पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, पोजिशन वेक्टर कैसे निकाल। तो जो ओपी वेक्टर आएगा वो आएगा आपका 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस वेक्टर ओक्यू कितना आएगा 4i प्लस j माइनस 2k अपॉन कितना आएगा 2, 4 प्लस 2 कितना आएगा 6i प्लस 4j प्लस कितना आएगा 2k अपॉन कितना आएगा 2, 2 कॉमन निकालूंगा तो आ जाएगा आपका 3i प्लस 2j प्लस का k अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया 3i प्लस 2j प्लस k, ये आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 16। अभिषेक आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 में क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद द पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। पोजीशन वेक्टर जो होता है वो OA वेक्टर होता है, OB वेक्टर होता है और OC वेक्टर होता है, रिस्पेक्टिवली द वर्टाइस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखो मैं आपको कंफर्म एक चीज बता दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये हमें साइड नहीं दे रखी इसकी, अगर साइड देगा तो साइड देगा AB वेक्टर, BC वेक्टर, AC वेक्टर। एक तरीके से उसने मुझे पॉइंट नहीं दे रखे हैं इसके, क्योंकि OA वेक्टर दे रखा है, OA वेक्टर दे रखा है हमें 3i माइनस का 4j माइनस का 4k, हमें कैसे पता चला OA वेक्टर, उसने लिखा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपका OA वेक्टर होगा, OB वेक्टर कितना है आपका 2i माइनस का j प्लस का k और OC वेक्टर कितना है i माइनस का 3j और माइनस का 5k। ठीक है, ठीक है, तो हमें अगर पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं इसका मतलब पॉइंट्स दे रखे हैं। अगर आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है 3, -4, -4 तो इसका मतलब पॉइंट्स है, आपको ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो पहले हम ए बी वेक्टर निकालेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे ओ बी माइनस ओ से, फिर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर बी सी वेक्टर निकालेंगे ओ सी माइनस ओ बी से, फिर बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर ए सी वेक्टर निकालेंगे ओ सी माइनस ओ से, फिर ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसके बाद हम बड़ी वाली साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइस से। अगर पेपर में हो भी सकता है ऐसा कि वो पोजीशन वेक्टर ना देके डायरेक्ट आपको साइड दे दे, तो उस केस में आपको साइड निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फिलहाल हमें साइड निकालनी पड़ेगी। ए बी वेक्टर निकलेगा आपका ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, 2i में से आएंगे तो कितना बच्चा माइनस के आएगा, माइनस आई प्लस 4j कितना आएगा 3k, 3j प्लस j प्लस 4k कितना आएगा 5k। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 प्लस 9 प्लस 25 कितना आ जाएगा 26, 35। ऐसे बी सी वेक्टर निकालेंगे, ऐसे ए सी वेक्टर निकालेंगे, बी सी वेक्टर आएगा माइनस का i माइनस का 2j माइनस का 6k, तो BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 36 अंडर रूट 41। फिर AC वेक्टर निकालेंगे OC माइनस OA, AC वेक्टर माइनस का 2i प्लस का जे और माइनस का के, माइनस का 2i प्लस का जे और प्लस का माइनस का के, एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट 6। बड़ी वाली साइड के स्क्वायर अंदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ओके, वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अंडर रूट 41 का स्क्वायर 41, वेक्टर AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 35 का रूट का स्क्वायर प्लस 600 रूट का स्क्वायर, सही तो आ रहा है 41 प्लस सॉरी 35 प्लस 6
therefore these are what types of a right angle triangle. Clear question? Yes sir, clear. Important. क्वेश्चन नंबर 7 तो गया 17 आपका 18 और 19 क्वेश्चन नंबर 18 वेक्टर जो है एमसीक्यू है एमसीक्यू ज्यादा अच्छे से करना है इस बार क्योंकि 20 एमसीक्यू आने अगर आपको 10 एमसीक्यू पे एनसीईआरटी के मिल गए तो सीधा आपको 10 नंबर मिलेंगे ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ए बी वेक्टर दैट इज ए टू बी प्लस बी सी वेक्टर BC वेक्टर पहले A to B क्या है उसकी डायरेक्शन AB वेक्टर है फिर B to C क्या तो कितना है प्लस BC वेक्टर है इसका रिजल्टेंट दे रखा है आपको AC वेक्टर इक्वल्स टू रिजल्टेंट कितना दे रखा है AC CA नहीं है आपका ये डिपेंड करता है कि एरो किस डायरेक्शन में है एरो आपका A to क्या C तो A इनिशियल और C क्या टर्मिनल पॉइंट है तो वेक्टर AC आएगा कोई दिक्कत यहां तक AB वेक्टर कैसे निकाला क्योंकि A to B जा रहा है वेक्टर BC कैसे निकाला क्या B2 कहाँ जा रहा है C रिजल्टेंट कितना दे रखा है उसका AC वेक्टर ये रिजल्टेंट होता है वैसे AB plus BC equals to AC अब ऑप्शन में तो ये ऑप्शन है नहीं AB वेक्टर plus BC वेक्टर शुरू के तो सब में ऑप्शन ठीक है प्लस का आप इधर लेके आओ तो किसको आ जाएगा माइनस का AC वेक्टर ठीक है Which of the following is not true? तो AB plus BC plus CA पहला वाला ऑप्शन ठीक है क्योंकि आप CA minus AC minus AC को minus CA लिखोगे तो plus हो जाएगा A ऑप्शन आपका करेक्ट है B वाले में क्या है AB plus BC AB plus BC minus AC B भी ठीक है B ऑप्शन में ये दे रखा है C में दे रखा है AB plus BC minus CA C गलत है क्योंकि सी में आता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी आगे बात क्योंकि जब आप इसको रिवर्स करोगे तो उसके साइन चेंज होगा तो प्लस का सी होगा तो आपको वो ऑप्शन ए में दे रखा है तो कौन कौन सा सी करेक्ट है सी इनकरेक्ट है तो आंसर कितना आ गया 18 का सी कुछ कुछ बुक्स में ऑप्शन चेंज हुए हैं जो पुरानी वाली बुक है उसके अकॉर्डिंग आंसर सी आ रहा है ठीक है नई वाली बुक के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आंसर क्या है ठीक है कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है ए एंड बी आर द टू कोलिनियर वेक्टर कल भी हमने कोलिनियर वेक्टर का कंसेप्ट करा था कि वेक्टर ए दे रखा था वेक्टर बी दे रखा था मैंने बताया था उनका रेशियो सेम होता है रेशियो सेम होगा तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा मतलब वेक्टर बी लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए इनकरेक्ट बताना हमें ये तो सही है वेक्टर ए प्लस माइनस लैम्डा बी ये भी सही है द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल ये भी सही है बोथ वेक्टर ए एंड बी द सेम डायरेक्शन बट द डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड डी आंसर रॉन्ग है मैंने आपको कोलिनियर का कंसेप्ट कल बताया था दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो उनका रेशियो सेम होता है रेशियो सेम है इसका मतलब वेक्टर बी जो होगा वेक्टर ए के लैम्डा टाइम्स होगा मतलब कुछ ना कुछ कॉमन आएगा कल ये आया था वेक्टर आई प्लस जे प्लस टू जे प्लस थ्री के और वेक्टर बी है रखा हमें टू आई प्लस फोर जे प्लस सिक्स के तो वेक्टर बी में से टू कॉमन निकाल लेंगे तो वेक्टर बी जो है टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए आ गया हो गया प्रूफ कोलिनियर है तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है बी भी करेक्ट है सी भी करेक्ट है डी रॉन्ग है तो आपकी एक्सरसाइज 10.2 की 9 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होगी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 की स्टार्ट करेंगे ठीक है